अब हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की। तो सबसे पहली बात, रेप्टिलिया नाम आया है उनके क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन की वजह से। ये जमीन पे रहते हैं ज्यादातर, इनकी जो बॉडी है वो कवर्ड होती है ड्राई और कॉर्निफाइड स्किन से, फॉर एग्जाम्पल स्नेक। एंड कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, फॉर एग्जाम्पल क्रोकोडाइल। मोर ओवर इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स नहीं होती, लेकिन टिम्पैनम जो है वो रिप्रेजेंट करता है ईयर। अगर लिम्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमेशा दो पेयर में प्रेजेंट होंगे। नाउ क्लास, कुछ एनिमल्स जो हैं अपनी स्केल्स और स्किन को शेड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्नेक्स एंड लिजर्ड्स। नाउ क्लास, इनका जो हार्ट होता है वो यूजुअली थ्री चेम्बर्ड होता है, यानी दो एट्रियम प्रेजेंट होते हैं और एक वेंट्रिकल, लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल का, जिसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। रेप्टाइल्स जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पुकाइलोथर्म्स होते हैं, अपनी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को वो रेगुलेट नहीं कर सकते। ये ओवीपारस होते हैं, यानी ये एग लेइंग होते हैं। मोर ओवर इनके जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इनका इंटरनल होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं रेप्टिलिया के, फॉर एग्जाम्पल किलोन यानी टर्टल, कैलोट्स यानी गार्डन लिजर्ड, टेस्ट्यूडो यानी टॉर्टॉइज़।